नमस्कार न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है मैं हूं प्रांजल और आज हमारे साथ गौतम नवलखा जुड़े हैं जो उन्होंने है, है, कश्मीर के ऊपर कई अरसों से काम किया है देश में सिविल लिबर्टीज़ को लेकर लगातार आवाज़ उठाते रहे और आज कश्मीर में क्लैपडाउन के इकसठ दिन पूरे हो चुके हैं इन्हीं सब मुद्दों पर हम उनसे बात करेंगे गौतम न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है थैंक यू आज इकसठ दिन हो रहे हैं कश्मीर में क्लैपडाउन के मीडिया पे पूरी तरीके से गैग है कल श्रीनगर में मीडिया पर्सन ने प्रोटेस्ट भी किया कि ये क्लैमडाउन बंद किया जाए इस पूरी स्थिति को आप किस तरह से देखते हैं क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके और कहा जा रहा है कि सब कुछ अच्छा है पर अंदर से अगर कोई आवाज ही नहीं उठ रही है तो अच्छा कहाँ से है फिर मेरे ख्याल से सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि अगर आपको ये तमाम पाबंदियाँ लगानी पड़ी और आज इकसठ दिन हो रहे हैं ना तो इंटरनेट चालू हुआ है ना मोबाइल टेलीफोन चालू हुए हैं मात्र तेईस हज़ार लैंडलाइंस शुरू किए गए हैं जो कि पर्याप्त नहीं हैं और वो तेईस हज़ार आठ अस्सी लाख मोबाइल फ़ोन्स के मुकाबले नगड़ियाँ हैं लिहाजा पाबंदी का ये जो सिलसिला जो अब अभी भी चल रहा है ये पूरी तरह ये संकेत है कि स्थिति अभी तक इनके काबू में आई नहीं है वरना साढ़े नौ लाख के करीब आप फौज भेज कर तमाम तरीके की रिस्ट्रिक्शंस आपने सड़कों पर हाईवेज़ पर मूवमेंट्स पर लगाई हुई हैं अलग अलग तरीके से चाहे वो कॉन्सेंटीना वायर्स आपने रस्ते पर लगाया हो या बंकर्स हों या चेक पॉइंट्स हों बैरियर्स हों और तैनात जो किए गए हैं फौजी तो ये तो इकसठ दिन के बाद भी अगर आप आ, उसको चालू रख रहे हैं तो ये तो साफ संकेत है कि स्थिति अभी भी उनके नियंत्रण में नहीं है और जिस तरीके से ये पूरा कदम उठाया गया कि आप एक दिन पहले अपोजिशन पार्टी के फारूक अब्दुल्ला आते हैं यहाँ मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी से और अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ भी मीटिंग करती हैं और फिर रात के बारह बजे अचानक सबके दरवाजे पर लोग पहुँच जाते हैं कि अब आप हाउस रेस में तो इस जिस तरीके से ये पूरा कदम उठाया गया है उसको किसी तरीके से आप लोकतांत्रिक तो नहीं कह सकते जायज़ भी नहीं है मतलब एक बड़े मुल्क के लिए जिसमें एक सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है लोकतंत्र है और उसकी विव, विविधता को नज़र में रखते हुए और उसकी विशेषताओं को नज़र में रखते हुए कोई भी इस तरह का बड़ा काम करने के पहले कुछ सलाह बातचीत ज़रूर होती है और खुलकर पब्लिक डोमेन में भी होती है जिससे कि बातें स्पष्ट हों अगर सरकार यह सब करने के बाद करती तो मुझे लगता है कि यह जो आवाज जो उठनी उट, शुरू हुई है अब इसके खिलाफ वो उठती नहीं क्योंकि सबकी उसमें रजामंदी होती लेकिन आपने हिंदुस्तान के विपक्ष को अलग दरकिनार करके रखा तमाम लोगों को दरकिनार रखा एक सीक्रेटली ये पूरी प्लानिंग करते गए वो तो अपनी जगह लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है और एक कहना चाहिए एक 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 गलत किस्म की राजनीति का संकेत है वो कि आपने जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की ही नहीं की उनको पूरी तरह से नज़रअंदाज करके आपने एक नागरिक की हैसियत से उतार कर उन्हें एक कहना चाहिए सब्जेक्ट बना दिया है हिंदुस्तान के इस गणतंत्र का जिसमें कि हमें फ़ख्र होना चाहिए हम एक गणतंत्र के नागरिक हैं यहाँ तो उनकी एक कहना चाहिए एक किस्म से उनकी नागरिकता आपने छीन ली है और उन्हें एक बंदी बना के रख दिया है सैकड़ों लोग जो हैं वो हाउस अरेस्ट में हैं चाहे वो विपक्ष के नेता हों या एक्टिविस्ट हों डॉक्टर्स इंजीनियर्स मीडिया पीपल पर अगर इसको हम एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स में देखें तो ये एक तरीके से पूरे देश का भी हाल है आप सिविल लिबर्टीज़ को लेके कई अरसों से काम कर रहे हैं तो ये जब से मौजूदा सरकार आई है कश्मीर ऑब्वियसली सबसे बड़ा हिस्सा है इसका पर देश के अनेक हिस्सों में भी सिविल लिबर्टीज पर लगातार हमले हो रहे हैं लोगों को अंदर डाला जा रहा है जेल में और एक तरीके से जितने भी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं जो चाहे दलित के बारे में बात कर रहे हो आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हो सबको एक तरीके से सबके ऊपर एक तरीके से लगाम लगा दी गई है इन इस स्थिति को कश्मीर के परिप्रेक्ष में रखते हुए आप किस तरीके से देखते हैं देखिए ये बहुत बड़ा सवाल आपने पूछा है आ, जाहिर है अगर सिविल लिबर्टीज़ बाक़ी हिंदुस्तान में आ, हमेशा एक कहना चाहिए खतरे का सामना करेंगे तो जाहिर है कश्मीर जहाँ की स्थिति पिछले तीस साल से जहाँ आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है जिसे एक डिस्टर्ब एरिया घोषित किया हुआ है तीस साल से वहाँ आप सोच सकते हैं कि क्या उस मतलब किस हाल में और किन हालात में आ, लोगों को आ, आप जबरदस्ती उनके मर्जी के ख़िलाफ़ आप कार्रवाई और अपनी नीतियाँ लागू करने की कोशिश कर रहे हैं तो जाहिर है अगर हिंदुस्तान में सिविल लिबर्टीज की स्थिति वैसे ही अगर कमज़ोर हो रही है तो इससे भी भयंकर स्थिति कश्मीर की है आपने ज़िक्र किया जैसे प्रांजल तुमने जिक्र किया कि लीडर्स को अरेस्ट कर दिया है जो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने उन तमाम लीडर्स चाहे वो आज़ादी पसंद हो या हिंदुस्तान के साथ जो जो इंडियन यूनियन के हिस्सा संघ के हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं उन तमाम लीडर्स को आपने गिरफ्तार कर लिया है मतलब आपने जानबूझकर करके कश्मीरी आवाम से उनके उन तमाम लीडर्स और उन सोचने वालों को आपने गिरफ्तार कर दिया है जिनसे कि कुछ गाइडेंस मिले कुछ समझदारी मिले बंद करके आपने लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है और इन सभी बातों के इसके बात... बावजूद प्रांजल जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर भी गौर करने की है चाहे स्थिति हिंदुस्तान में सिविल लिबर्टीज की हो या कश्मीर की इतनी बुरी हो इन तमाम चीज़ों की इन तमाम पाबंदियों के बावजूद आज पीपल अगर लोग कश्मीर में अगर एक शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने संघर्ष को चला रहे हैं क्योंकि वहाँ पैसिव रेजिस्टेंस का आ, रास्ता उन्होंने अख्तियार किया है है ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जब आपने तमाम नेटवर्किंग बंद कर दी है कम्युनिकेशन ब्लैकडाउन है लॉकडाउन है एक दूसरे से आप बात नहीं कर सकते हैं नेटवर्किंग नहीं, है, नहीं हो सकती है।, है हाँ ये तमाम चीजों के बावजूद अगर ये है तो इसका मतलब यही है कि ये तमाम लोगों की अपनी खुद के जो सामूहिक रूप से वो झेल रहे हैं ये उसका नतीजा है एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी उठता है कि आप एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य है और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे जाके पर एक तरीके से अगर हम इसके इतिहास को देखें और आरएसएस के स्टैंड को देखें जम्मू जम्मू कश्मीर में तो ये उनका जो एक बरसों से चला आ रहा मुद्दा है वो है धर्म के नाम पे लोगों को बांटना वो इसको इस्तेमाल करके पूरे देश में अब जहां जहां जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहां नेशनलिज्म और आर्टिकल 370 एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वही प्याज के दाम बढ़ रहे हैं अन्य चीजों के दाम बढ़ रहे हैं उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है तो ये एक पूरी स्थिति से पैदा कर दी गई है जाहिर है लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाना ये एक ये हम देखते हैं कि सत्ता वर्ग करता रहा है और कश्मीर अगर जल रहा हो तो जाहिर है लोगों का ध्यान उस तरफ ज्यादा जाएगा जिस अर्थ संकट मतलब अर्थव्यवस्था जिस संकट के दौर से गुजर रही है उसकी तरफ से ध्यान हट जाएगा तो वो अपनी जगह सही है लेकिन एक चीज कि कश्मीर में ये सिलसिला आज, आज 30 साल, का, हाँ, साल का हाँ उसके सत्तर साल का इतिहास है कि हम इसे डेमोक्रेटी के लोकतांत्रिक तरीके से इसका समाधान नहीं निकल पाया है अब आपने ये सब करने के बाद मतलब आ, हम लोग आलोचना करते रहते थे पिछली सरकारों का ये कहते हुए कि उन्होंने आर्टिकल 370 को खोखला कर दिया है आज इसको खारिज करके इस सरकार ने एक जो एक कहना चाहिए एक रिट्रीट का एक प्लान था वो भी खत्म कर दिया है अब आप बातचीत किस मुद्दे पर कर सकते हैं लोगों को किस मुद्दे पर आप तैयार कर सकते हैं कि ठीक है चलिए हम आर्टिकल थ्री तीन सौ सत्तर को और परिपक्व बनाने की तरफ जाने की कोशिश करते हैं वो भी आपने हटा दिया लिहाजा बचा क्या है बातचीत का रास्ता आपने बंद करके जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस को ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया है कि वो यूनियन टेरिटरी बन गई है जिसमें कि जम्मू के डोगरा भी नाखुश हैं क्योंकि स्पेशल स्टेटस से गिराकर उन्हें एक मात्र यूनियन टेरिटरी जो कि केंद्र, केंद्र शासित होगा हो हो जो केंद्र शासित होगा तो ये बहुत ये जो कदम इन्होंने लिया है क्या सोच के लिया समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि ये सही है कि आरएसएस का तो पिछले 70 साल से हम सबको पता है कि उनका क्या रवैया रहा है कश्मीर के मुताबिक उन्होंने फुल मर्जर की बात बार-बार उठाई है और इन हम सब चीजों से हम वाकिफ रहे हैं गलती हम लोगों की तरफ से हुई है जो जनतांत्रिक सोच वाले हैं उनकी तरफ से हुई है हमने उसी लगन से कश्मीर के मुद्दे को पिछले 70 साल में नहीं उठाया है तो जहां मैं ये एकदम मानने को तैयार हूँ कि ये तो अब आरएसएस की अपनी जो रणनीति है अपनी जो समझदारी है वो उस लागू करने की कोशिश में है लेकिन वहाँ भी अंतर्विरोध कर आ रहा है प्रांजल और इसमें मैं एक छोटी सी बात जोड़ना चाहता हूँ अभी हाल में फॉरेन करस्पॉन्डेंट से बातचीत करते हुए आर के मोहन भागवत से एक प्रश्न पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में लोग भयभीत हैं कि उनसे उनका जमीन छीना जाने वाला है और उनके रोजगार का जो साधन है वो भी उसमें भी प्रतिस्पर्धा बढ़ने वाली है क्योंकि बाहर वाले भी अब आने लगेंगे तो उसमें उन्होंने कहा कि सरकार को लोगों के इस भय को कम करने के लिए मतलब अंग्रेजी में उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया वो है कि गवर्नमेंट मस्ट अले दफेयर्स ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिगार्डिंग द लैंड एंड जॉब्स ठीक है नौकरी और जमीन के मुद्दे पर सरकार को द, लोगों को आ, क्या, क्या, क्या कहना चाहिए एक आश्वासन देना, देना, देना चाहिए कि ऐसा वो नहीं करने जा रही है ठीक है ना उस पर ये कहे हुए दो हफ्ते के करीब होने आ रहा है प्रांजल अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया है जब आरएसएस के प्रमुख ने एक बड़ी ही साधारण बात एक सवाल के जवाब में पेश करी है चाहे वो उनकी मंशा न भी हो लेकिन इतना तो बताती है ना कि सच्चाई को दर्शाती है कि जम्मू कश्मीर में ये मुद्दा है और जम्मू में उनके खुद के कार्यकर्ता उनके खुद के आ, लीडर्स जम्मू वाले ने इस बात को उठाया है जिसमें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर निर्मल सिंह खुद शामिल थे जो कि बीजेपी की तरफ से आ, लीडर थे गौतम ये आखिरी सवाल होगा मेरा कि ये कदम तो सरकार ने उठा लिया चेस्ट थम्पिंग करके अपने पार्लियामेंट में अनाउंस भी कर दिया और विदेश भर में ढिंडोद्रा भी पीट रहे हैं इसका पर जहाँ तक आवाम की बात है तो आवाम को तो एक युग और पीछे ढकेल दिया गया है तो ये क्या मोड़ लेगी अब प्रांजल ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा सवाल है वो इसलिए भी क्योंकि अगर हम इस पूरे क्षेत्र को देखें अपने पड़ोसी क्षेत्र को भी देखें वहाँ क्या हो रहा है तो हम समझ जाएंगे आज के दौर में ये पूरा क्षेत्र बहुत ही अस्थिर है और यहाँ कभी भी युद्ध छिड़ने के 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 क्या आना चाहिए चांसेस एकदम बहुत ज़्यादा हैं कुछ गलत हुआ पूरा वेस्ट एशिया पर्शियन गल्फ जल सकता है अफ़ग़ानिस्तान में अगर बातचीत का सिलसिला टूट गया यूएस मतलब अमेरिका और तालिबान के बीच में तब युद्ध के और भयंकर होने की संभावना बढ़ जाती है और आइसिस की मौजूदगी को नज़र में रखते हुए ये और भी खतरनाक मामला है क्योंकि अगर तालिबान और काबुल सरकार एक दूसरे से लड़ेंगी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आइसिस और अलकायदा जैसी शक्तियों को मिलेगा पाकिस्तान वैसे ही अस्थिर है और उसकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और उसके सामने ये भी दुविधा है कि वो अफ़गानिस्तान में क्या करे दूसरी तरफ कश्मीर में जिस तरह के हालात बन गए हैं उससे भी वो अपनी नज़रें फेर फेर नहीं सकता और हम चाहें ना चाहें पाकिस्तान हैज़ अ लेजिटमेट इज़ अ लेजिटमेट पार्टी ये हम इनकार नहीं कर सकते हैं चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा ये हकीकत है जिसे कि हमें मानना पड़ेगा रह गई बात देर कश्मीर की अगर कश्मीर में हालात बिगड़ते रहते हैं लोगों का ये सिविल डिसोबीडियंस अगर वो ख़त्म नहीं कर पाते हैं जो कि लगता नहीं है कि ख़त्म कर पाएंगे क्योंकि इसमें आप किस तरीके से टाउन में आप कैसे आ, आ, करेंगे आप कैसे कैसे करेंगे तो स्थिति बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और आपने अपने लिए एक राजनीतिक समाधान का रास्ता भी बंद कर दिया है तो इसके बिगड़ने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो जो 90 से ज्यादा प्रतिशत हिंदुस्तानी सरकार की बाबाही कर रहे थे उन्हें भी यह मानना पड़ेगा कि बहुत सारे सवाल आज हमारे सामने खड़े हो गए हैं जिसका कि सवाल सरकार सवाल दे नहीं पा रही है और हालात बद बत से बदतर की तरफ जा रहे हैं शुक्रिया गौतम हमसे बात करने के लिए और हालात सुधरते तो नजर नहीं आ रहे हैं पर जैसे जैसे नए डेवलपमेंट्स यहाँ होंगे हम आपके पास लगातार आते रहेंगे थैंक यू न्यूज क्लिक देखने के लिए धन्यवाद